ऐसे काट करके डाल दे, पर्चे जी पर्चे काट के डाल नहीं, पर्चे फोटो ले काट के लेते डालने हैं। की जरूरत नहीं है, आपको इंचेस के हिसाब से रेट बता देंगे, इंच टेप लेके कि ये इतने इंच का है, इसके रेट ये हैं, ये अच्छा टेराकोटा बाउल है। पेन है आपके पास? नहीं, पेन नहीं है भाई। पेन मंगवाया तो आप लोग सब मिलके काम करते हैं? जी। ये भी अच्छी बात है, अब आपका मोल्ड का खर्चा बच गया, मोल्डिंग का। अब मान लीजिए सपोज दैट आप इसी का सैंपल बनवाते हैं ना, तो एक सैंपल बनवाने में खर्चा आ जाता है आपका 3,000 रुपीज़, एक डाई का, एक डाई का 3,000 रुपये। तो डाई का ऐसा इसका एक ही खर्चा जगह, ज्यादा आता ऐसा क्योंकि डाई बड़ा, में ऐसा वो नहीं कर सकते कि भाई हम वो ऑर्डर में कटवा लें फिर, है एडजस्ट हो जाती है प्रोडक्शन में। ना? हाँ, वही वही पूछ अगर रहा आप कोई भी एक पीस, तो ऐसा है हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, जी। हमने बनाया है, पीस रखा हुआ भी होगा। पीस हट गया यहाँ से, ड्राइव्स का वो पीस मैं आपको ऑफिस में दिखा दूंगा, ऑफिस में है मेरे पास। ठीक है, वो खाली फोटो लाए थे हमने, फोटो देख के पीस बना दिया था। अच्छा ये फिर वो ये ग्लेज कलर में आता है, कलर के बाद ग्लेज मारते हैं। हाँ नहीं, पहले हम जो पीस है वो बिस्किटी निकल जाता वो है, समझ गया मैं। ठीक हाँ है, हाँ हाँ कच्चा पीस लिया, हाँ भट्टी में 1100 डिग्री पे कर दिया। कर दिया। बिस्किटी पीस निकलने से बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि पीस पर पिन होल, ग्लेज कहीं से रिजेक्शन कम हो जाता है अच्छा और वो पीस की क्वालिटी बढ़ जाती है डबल फायरिंग के बाद। ठीक है। अगर उसके बाद आपको लोगो लगवाना है, तो फिर 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीसरी फायरिंग और होती है। मान लीजिए आपको नेम का लोगो लगवाना है ये किसी, तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीन फायरिंग, पहली फायरिंग 1100 डिग्री, दूसरी फायरिंग 1200 डिग्री, फिर 700 डिग्री। फिर 750 डिग्री पे आपका लोगो लग जाएगा। ये कलर 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 कब चढ़ता है कलर बिस्किटी के बाद, फॉरन? बिस्किटी के बाद ग्लेज। तो कलर में बहुत सारे नहीं। लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, पीस को आपको बिना बिस्किटी के दे देंगे, लेकिन बिना बिस्किटी का जो माल होता है वो डोमेस्टिक में तो चल जाता है, जैसे छोटे छोटे ढाबे वगैरह हुए, लेकिन वहाँ नहीं चल पाता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। बिस्किट ही क्या होता है? बिस्किटी वही जो फॉरन निकलता है वो ये जैसे पीस रखा हुआ है जो मैंने सेम। आपको अंदर दिखाया था, एक तो कच्चा है, एक वो व्हाइट कलर में है जैसे ये रखा हुआ है सामने, ये बिस्किटी है। आइए आप, मैं दिखाऊँ। अच्छा ये रहा है। हाँ ये हाँ बिस्किटी पीस है रहा है बिल्कुल। जी हाँ, इस पर अभी कलर चलेगा। जी 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 वो आ रहे होंगे अभी, कहीं चले गए होंगे। अब आप इस पे जैसे काम करेंगे, अब ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स तो हमारे पास बाहर पड़ी हुई हैं, अरे बाहर शोरूम में हैं ऑलरेडी, वो आप ले सकते कॉमन हैं। प्लेट भी है ना, ये तो कॉमन ही तो बन रहा है ये जो आजकल। है बाउल दूसरे कलर में मिल जाएगा, ये पीस जो है आपको दूसरे कलर में मिल जाएगा, अगर आपको सैंपल एज ए सैंपल लेने कलर हैं। और अगर आपको एज इट इज बनवाने हैं, तो आप डायरेक्ट हमें क्वांटिटी बता दीजिए कि क्वांटिटी इतनी रहेगी। पेन लेके आऊँ जो है, पेन और क्या वो ला दिए पेन पेपर तो पैड। दे दिया मैंने। एक पेन देना भाई साहब, सत्येंद्र भाई साहब। गलत बात है, आप एडवोकेट है, आपकी कलम जेब में लगी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, एक पैड, ये पैड किसी यूज में तो वो नहीं? भाई साहब वो बिल हो गए फिर तो कोई सा भी दे दो एक रखने के लिए। अरे कुछ नहीं, वो अंदर है जुनैद भाई, बुलाया हुआ है। जी
बाबा इनके प्राइस देने हैं। तो लिख दो प्राइस, इसे पे लिखो अलग नाम से, अगर इस पे लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर। पर्ची बना के डाल दी, मैं तो कह रहा हूँ स्केच पेन से, वो परमानेंट मार्कर से लिखो। नहीं भाई वो तो फिर मेरा तो ख्याल साहब तो खराब हो जाएगा ना, तो मेरे कोई नहीं मुझे मेरा मार्जिन हम मानना चाह रहे हैं यार। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना, हम लोग बाइंग एजेंसी का काम, हम लोग पूरी दुनिया में बायर ढूंढते हैं। कौन सी बाइंग एजेंसी से आप? हमारा सिनाई सोर्सिंग के नाम से। कहाँ पर? ये हमारा है जसोला में। जसोला काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं यूरोप यूएस के लिए। मेजर तो हमारा जो है वो सारा वो फर्नीचर है, छोटे छोटे फर्नीचर होते हैं ना, और अपना डेकोर का। तो जो हम कर रहे हैं वो है अपना फिर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, जयपुर, जोधपुर। अभी इंक्वायरीज आई हैं तो इसके डिमांड की है, तो हम लोग इसको टहल रहे हैं। और इनसे कई बार बात हुई, आना नहीं, हमने कहा चलो आज आके मिल लेते हैं। तो हम लोग आप लोग के लिए काम करते हैं। सलाम अलैकुम। हमारी अपनी कोई फैक्ट्री है जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। मैं भी देखता हूँ जी हजरत। अच्छा अच्छा, वो ये जो भी आया था आपका, जो इसका बिल बनाया भी आपने, वो जानकारी में है आपकी? अब तो आपको इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो जैसा आपका दूसरा कार्टन भी है, आपने पीस लिया, डायमेंशन बताइए हमें, उस पर स्केल रख के या इंच टेप, और आपने हमें भेज दिया, हमने आपको रेट दे दिया, क्योंकि ये माल हमारे यहाँ का है। जो माल हमारे यहाँ का नहीं होगा, हम आपसे साफ मना कर देंगे कि भाई यह माल हमारे यहाँ का नहीं है। तो नया बनेगा वो, नया बनेगा जो पीस हमारे यहाँ का नहीं होगा। कोई पीस आपका ऑर्डर आ रहा है छोटा मोटा, वो आपने बस में रखवा के भेज दिया आनंद बिहार से, या कोरियर कर दिया। अगर बड़ा ऑर्डर है तो आप पीस पहुँचा गए, पीस पहुँचाने के बाद हमने